दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में प्राण। तो बच्चों आइए इस पंक्ति के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था, वह बहुत ही दयालु और दानवीर। उसको कहलवाने का बहुत शौक था। दूसरों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना उसकी ललक है। वह दूसरों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने की उसकी जो ललक थी वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह प्रतिदिन यश और प्रशंसा बटोरने के लिए कोई न कोई अनोखा कार्य करता रहता था। एक दिन राजा नगर की सैर करने जा रहा था, तभी वहाँ एक बहेलिया, बहेले जाते ना जो पक्षियों को पकड़ने का काम करते हैं, बहेलिया ने वह बंद पिंजरे में पक्षियों को लेकर जा रहा था। राजा ने उस बहेलियों को बुलाया और सभी पक्षियों का मूल्य पूछा कि कीमत क्या है। बहेलिया ने मूल्य बताया तो राजा ने सब पक्षियों को खरीद लिया और स्वतंत्र कर दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा उसने राजा की बड़ी सराहना की, कह रहे देखो राजा तो कितना दयालु है। इससे राजा बहुत खुश हुआ। अब वह बहेलिया प्रतिदिन आता, उसी समय वहां से गुजरने लगा जब राजा नगर की सैर के लिए निकलता था। प्रशंसा का गुलाम राजा भी प्रतिदिन उसी बहेलिया से पक्षी खरीद कर उड़ा देता था। राजा के दयालुता के इस प्रदर्शन ने उस राज्य में कई नए बहेलियों को जन्म दे दिया। कहते ना जो काम एक कर रहा होता अगर वो फेमस हो जाता है तो उस पे करने वाले बहुत से लोग आगे बढ़ जाते हैं। आत्म प्रशंसा और यश कामना के आनंद में डूबा हुआ राजा अपनी मूर्खता को समझ नहीं पाया। इसी बीच एक मनीषी अर्थात एक विद्वान है वह उस राज्य में उसका आगमन हुआ। जब उनके सामने राजा यह मूर्खता भरे कार्य कर रहा था वो उसको देखकर बहुत दुखी हुआ। उस महात्मा ने राजा को समझाया, हे राजन आपको मालूम भी है आपकी झूठी यश कामना इन निरीह पक्षियों को कितनी महंगी पड़ती है। क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि वो जिस प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए जिन पक्षियों को स्वतंत्र कर रहा है उसके पीछे क्या नुकसान हो रहा है। तो बहेलियों पर आपके मनमाने धन लुटाने के कारण कई नए बहेलिये पैदा हो गए हैं। ये लालची बहेलिये प्रातः काल आपके सामने प्रस्तुत करने के चक्कर में पता नहीं दिन भर कितने पक्षियों को परेशान करते हैं। उनमें से कई निर्दोष पक्षी तो मर भी जाते होंगे। यदि आप इतने ही दयावान और धर्मपरायण हैं, तो दयालुता का प्रदर्शन बंद कीजिए और पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दीजिए। राजा को महात्मा की बात समझ आ गई। उसने अपनी भूल के लिए महात्मा के सामने पश्चाताप व्यक्त किया और यश कामना की आकांक्षा छोड़कर वास्तविक दया धर्म के पालन की रीति और नीति अपनाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन राजा ने सभी बहेलियों को कारावास में डाल दिया और पूरे राज्य में पक्षियों के वध पर सख्त एक नियम का ऐलान कर दिया। तो नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप लोग? और पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके 10वीं के कोर्स भी हिंदी में दी हुई पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य भाग के पाठ जिसका शीर्षक है अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, और ये निदा फाजली के द्वारा लिखी गई है। अच्छी तरह से समझने के लिए हमेशा की तरह हमने इस पाठ को भी 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग कहानी के सारांश और भाव पर केंद्रित है। दूसरा भाग कहानी को विस्तार से बताता है। तीसरा भाग इस पाठ का निष्कर्ष है। और चौथा और अंतिम भाग आपको है वह लेखक के बारे में बताता है। आपको पता है जब इस प्रकृति का निर्माण हुआ था, ऑफ कोर्स एक बार में तो नहीं हुआ होगा, कई साल लग गए होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण अनुकूल बनता गया, नए नए जीवों का उद्भव या विकास होता गया था, नए नए जीव बनते गए। पर जब तक इंसान नहीं आया था तब तक तो सब कुछ ठीक था, सारे जीव अपना है वह जीवन यापन कर रहे थे। पर जैसे ही इंसान आया, जिसे प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार भी कहते हैं, और जैसे जैसे विकास करना उसने शुरू किया, पूरी पृथ्वी को अपनी जागीर बना लिया, जागीर अर्थात अपनी मलकियत बना लिया, मतलब उसको लगने लगा सब कुछ उसी का है, और सभी दूसरे जीवों पर अत्याचार करने लगा। कई जीव का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, कई जीव खत्म होने की कगार पे ही आ गए, और कई जीव अपना ठिकाना छोड़ कहीं दूर जाकर बस गए जहाँ आदमी का आना जाना न के बराबर है। कुछ जीवधारी तो आज भी अपने लिए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। तो खैर बात अगर यहीं तक रहती तो ठीक भी थी, पर बात तो बढ़ती ही जा रही थी। पेड़ पौधों और जानवरों पे अत्याचार कर उन्हें नाश और बेघर कर वह अपने भाई बंधुओं के पीछे पड़ गया। अभी तक तो उसने कैसे पक्षियों को परेशान किया था, लेकिन अब क्या है कि वह अपने ही भाई बंधुओं को परेशान करने लग गया। इंसानों की जो ये लालच की भूख है वो कभी खत्म नहीं होती, अन्यथा बढ़ती रहती है। स्वार्थ इतना बढ़ गया कि भाई भाई को, बहन को, माँ बाप को किसी को भी नहीं छोड़ता और सब पर जुल्म ढाने लगता है।
परिस्थिति यह हो गई कि न तो उसे किसी की सुख दुख की चिंता है और न ही किसी को सहारा या किसी की सहायता करने का उसका कोई इरादा है। तो हमारे आज का यह पाठ कुछ ऐसी बातों को उजागर करने की कोशिश करता है। तो बच्चों आइए अब हम इस पाठ के दूसरे भाग जो कि आपको पाठ को विस्तार से समझाता है पर चर्चा करते हैं। बाइबल के सोलोमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा क्या हुआ कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी देर दूर पर ही रुक गए और चींटियों से बोलो, घबराए नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, मैं किसी के लिए भी मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मैं मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा, उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी, उनके हाथ पर पड़ी, वहाँ एक काला चोटिया रेंग रहा था, अर्थात जो जौक होती है उसकी बात हो रही है। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए, माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? तो शेख अयास के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं तक उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। वह कितने अच्छे लोग थे पहले। दूसरी एक और बात करते हैं, बाइबल और दूसरे जितने भी पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम था लश्कर, लेकिन अरब में उनको नूह के लकब नाम से याद किया जाता है। वह इसलिए कि आप है वह सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से क्या हुआ कि एक बार एक जख्मी कुत्ता गुजर रहा था। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। अर्थात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सबको जन्म मिट्टी में ही लेना है और मिट्टी में ही दफन हो जाना है, और कौन क्या है इसको कौन पहचान पाता है। तो इससे अच्छा है कि हम किसी को कभी भी कुछ भी बुरा नहीं कहें, इसके ऊपर कई बार प्रश्न बनकर भी आया हुआ है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, मतलब कई सालों तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप से कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अच्छी तरह से देता है। धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से देते हैं। संसार की रचना भला कैसे हुई, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। इस पर मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि जैसा कि पानी के लिए बोरिंग घर में खुदवाए जाते हैं ना, बोरवेल्स होते हैं प्रत्येक घर में होते हैं, तो सब अपनी मन मर्जी से पानी को खर्च करते हैं। सबको ये लगता है कि है वह पूरा धरती के अंदर जमीन के अंडरग्राउंड जितना भी वाटर है और सब उनके अकेले का है। ऐसा नहीं है। अगर हमने बोरवेल खुदवा लिया तो हम पूरी भूजल राशि के स्वामी नहीं बन जाते हैं। ऐसा एक अखबार में भी आर्टिकल आया था, वो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों कोई भी चीज ऐसी नहीं है, धरती हमारी है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हर चीज उसकी हमारी है। नहीं, वो इस धरती पर रहने वाले एक चींटी से लेकर डायनासोर तक जितने भी बड़े बड़े जानवर है उन सबकी है वो। इसलिए हमें अपना अकेले का अधित्व अधिकार नहीं जताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह बात और है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। सही बात है तो सबकी हिस्सेदारी, लेकिन मनुष्य के पास दिमाग ज्यादा है, वह अपनी चतुराई से क्या करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वह बहुत सारे नए नए तरीके ढूंढ कर वह उसको अपने अधिकार में ले लेता है। पहले पूरा
संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। अगर देखे तो पहले बड़े बड़े दालान होते थे घरों के अंदर, और घर में जितने भाई होते थे सब एक ही है, वह सब एक साथ रहते थे। शाम होती सब एक दूसरे के दुख सुख की बातें करते थे, क्या दिनचर्या कैसी रही क्या है। अब ऐसा नहीं होता है। अब है वह संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार होने लग गए हैं। तो लोगों को न तो बच्चों को दादा दादी का मोह मिल पाता है, न उनका प्यार मिल पाता है, न उनमें इतने संस्कार आ पाते हैं। तो इस चीज का बहुत अफसोस मनाना चाहिए प्रत्येक परिवार को। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन समेटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही बात है कि आया था ऐसा अखबार में कि हाईवे बनने जा रहा है तो इतने करोड़ों पेड़ों को काटा जाएगा। अरे आप काट तो रहे हो उन पेड़ों को, लेकिन उनको दूसरी जगह लगाने की भी व्यवस्था करो। ऐसे कहा जाता है कि अगर एक पेड़ काट रहे हो तो उसकी जगह दो लगाओ, लेकिन लगाना ही काफी नहीं होता है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी सार संभाल करनी पड़ती है, तब जाकर वो पेड़ बनता है, पौधे से वो पेड़ बनता है। ठीक है बच्चों, तो आप भी ऐसा प्रण करो कि आप इस धरती को हरा भरा रखने के लिए रोज एक पेड़ लगाओगे। रोज नहीं, एक महीने में एक पेड़ ही सही, 12 महीने में 12 पेड़ हो जाएंगे। तो क्या हुआ उससे कि फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जल जले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी संतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। बिल्कुल सही बात है, किसी की भी, व्यक्ति की हो, इंसान की हो, जानवर की हो, पशु की हो, प्रकृति की हो, किसी की भी हो, उसकी भी एक सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना बहुत साल पहले है वह मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी तो डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। हुआ क्या था, चलो वो देखते हैं। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर है वह समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, पैरों के ऊपर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, और जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। बिल्कुल सही बात है, बेचारा सहन कर करके भी कितना करेगा आखिर। तो उसको गुस्सा आ गया, और जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही गुस्सा भी कम आता है ऐसा कहते हैं, परंतु आता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए तीन जहाजों को उठाकर बच्चों की तरह, गेंद की तरह तीनों अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आ गिरा, दूसरा बांद्रा के क्वार्टर रोड के सामने उन्देमो गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वो फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मतलब समुद्र ने इतनी ऊंची लहरें उठाई कि उसके जो तीन जहाज थे उसने वो उन तीनों जहाजों को है वह बाहर फेंक दिया। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों है वह आंगन के जो पेड़ों के पत्ते होते हैं उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ रोते हैं। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, वह बद्दुआएं देते हैं। दरिया पर जाओ, था समुद्र, सागर है, समुद्र है या नदी है, किसी पर भी जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वो हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जिसे पहले मोहल्ले को अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, ठीक है, सबकी पूजा करने का एक ही तरीका है, मतलब सबकी पूजा एक ही है बस तरीका अलग अलग है। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। अब यहाँ लेखक अपने खुद की बात कर रहे हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में दो रोशनदान थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा भी उसके हाथ से गिरकर टूट गया। अब कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगने की दुआ करती रही। बच्चों इसके ऊपर प्रश्न बनकर हमेशा आता है, तो इसको गौर फरमाया जाए। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज लेखक का घर है, पहले वहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती में न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है।
बिल्कुल सही बात है, पेड़ हटेंगे तो परिंदे तो गायब होने ही होने हैं। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से दो कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है और जिसके बच्चे अभी छोटे हैं। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते हैं और जाते हैं, न आए जाए उनका भी घर है आखिर, क्योंकि उसके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं, अर्थात लाइब्रेरी से पुस्तकें भी गिरा देते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जाली लगा दी हमेशा के लिए। उनके बच्चों को दूसरी जगह रख दिया, उनके आने जाने की खिड़की को बंद कर दिया गया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न वो सोलोमन है जो उसकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और न मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात है वो नमाज में काटे। तो बच्चों बिल्कुल सही कहा गया ऐसा कि अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। तो जो प्राचीन समय की बातें हैं वो अब नहीं रही है। अब अगर हम किसी पर दया नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम दया दिखाने की कोशिश करते भी हैं तो न तो इन लोगों के पास आजकल इतना समय है, और पता नहीं कि सामने वाला है वो सच में मदद मांग रहा है या सिर्फ है वह दिखावा कर रहा है। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। बहुत अच्छी बात है ये कि सूरज है वह ठेकेदार की तरह, सुबह उठते ही है वह सबको काम दे देता है कि ऑफिस के लिए निकलो, स्कूल के लिए जाओ, तैयार हो जाओ, पढ़ाई करो। ठीक है, अब हम इस पाठ के तीसरे भाग अर्थात है वह निष्कर्ष की भी बात कर ही लेते हैं। तो बच्चों हमें मनुष्य होने के नाते मनुष्यता के गुणों को याद रखना चाहिए और उसके अनुसार सभी लोगों पर दया भी दिखानी चाहिए। हमें दयालुता का प्रदर्शन नहीं पालन करना चाहिए। हमें सिर्फ दिखाना नहीं है मदद करो, हमें खुद को करनी है। वास्तव में प्रदर्शन यश की कामना से किया जाता है, जबकि पालन है वह आत्म प्रेरणा से किया जाता है। तो बच्चों अब हम लेखक निदा फाजली जी के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 दिल्ली में हुआ था। इनके काव्य संग्रहों में लफ्जों के फूल, जो कि इनका पहला प्रकाशित संकलन था, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियां, इनकी आत्मकथा है दीवारों के बीच दीवारों के बाहर, संस्मरण है इनके मुलाकातें, सफर में धूप तो होगी। इनको निम्नलिखित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 1918 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2003 में स्टार स्क्रीन पुरस्कार, 2003 में ही बॉलीवुड मूवी पुरस्कार और 2013 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो बच्चों कैसी लगी निदा फाजली जी की ये रचना और आप इससे क्या सीखे? अपने विचार आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। बाय बाय।